Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today is our lecture 29. In our 28th lecture, we discuss merchant banking. The last lecture mein humne kya discuss kiya tha? Merchant banking, investment banking. So, ye almost banking ke two parts hai. कमर्शियल बैंकिंग जिसको हम रिटेल बैंकिंग कहते हैं और कमर्शियल बैंकिंग रिटेल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और थोड़ा सा हमने इसको रिवाइज किया था इन चीज़ों को देखा था कि मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है तो आपने कुछ होमवर्क किया है जी 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 आज आपसे पूछूंगा मैं क्योंकि इस एरिए में जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है जिसको हम मर्चेंट बैंकिंग कहते हैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च वर्क की ज़रूरत है आपको जो जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको सेल्फ स्टडी रिसर्च ग्रुप डिस्कशन करनी होगी वैसे भी बाकी सब एरियाज़ में मैं आपको एडवाइस करता रहता हूँ टाइम टू टाइम लेकिन ये जो एरिया था कैसा वैसे आपको ओवरऑल कैसा लगा मर्चेंट बैंकिंग का अभी हमने जो स्टार्ट लिया है इंटरेस्टिंग है ना लेकिन ये कि पाकिस्तान में मर्चेंट बैंकिंग की इंफॉर्मेशन या मर्चेंट बैंकिंग के बारे में डाटा कलेक्ट करना थोड़ा सा एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंकिंग आई वुड से कि डिफ़िकल्ट होगा या फिर थोड़ा सा इस पर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा वो इसलिए कि कमर्शियल बैंकिंग आप देख रहे हैं हर तरफ आपकी कमर्शियल बैंकिंग है आप टाउन में रह रहे हैं सिटी में रह रहे हैं जहाँ रह रहे हैं आप देख रहे हैं जो बार बैंक से कमर्शियल बैंक से जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई थी मर्चेंट बैंकिंग की उन एक्टिविटीज़ को अगर आप किसी कमर्शियल बैंक के मैनेजर से या एवीपी से या सीनियर मैनेजर से डिस्कस करें वो आपको बताएंगे कि ये सर्विसेज हम प्रोवाइड नहीं कर रहे ये मर्चेंट बैंकिंग प्योर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है और वो आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ये बैंक्स हैं पाकिस्तान में ये आपने खुद भी रिसर्च किया होगा ये एरिया मैंने आपके लिए छोड़ा है कि आप देखें कि पाकिस्तान में क्या पोजीशन है इस वक्त लेटेस्ट क्या है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिटेल बैंकिंग की क्या पोजीशन है ओके सो आप देखते हैं आपने क्या रिव्यू की हुई है मर्चेंट इन्वेस्टमेंट राइट क्योंकि उसी की जो हमने लास्ट टाइम जहाँ से लेक्चर को ख़त्म किया था वहीं से आज कंटिन्यूशन होगी तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको क्योंकि ये एक किस्म न्यू एरिया है और इसको मैं रीकैप करा लूँगा आपको जो मर्चेंट बैंकिंग है याद रखें कमर्शियल बैंकिंग डेफिनेटली आपके इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करती है आपको आपके स्मॉल मीडियम और लार्ज लोन्स जो हैं बिग लोन्स हैं इनको डील करती है लेकिन मर्चेंट बैंकिंग का भी बहुत ही वाइटल रोल है आपकी इकॉनमी में किसी भी कंट्रीज़ की इकॉनमी को को बूस्ट करने में और जब हम बात करते हैं मर्चेंट बैंकिंग इसमें बैंक्स भी आ जाते हैं और इसमें फाइनेंशियल कंपनीज भी आती हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बैंक्स भी और फाइनेंशियल कंपनीज भी आती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं सो इसमें थोड़ा सा आपने किया हुआ रिसर्च जो स्पेशल सर्विसेज है ज़रा बताया ना क्या सर्विसेज बैंकिंग प्रोवाइड करती है मर्चेंट बैंकिंग जी पहले मुझे अपने सिंपल वर्ड में बताएं कि आपको मर्चेंट बैंकिंग से क्या पता चला मर्चेंट बैंकिंग क्या है ओके सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय मर्चेंट बैंकिंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मर्चेंट बैंकिंग से क्या समझते हैं आप मर्चेंट बैंकिंग क्या है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है जी कौन आंसर करेगा आप यस ये मेरे सामने जो थर्ड रो में सेकंड बैठे हैं आप जी मर्चेंट बैंकिंग के बारे में कोई थोड़ा सा बताएं जस्ट डिफाइन कर दें इसको ओके गुड तो डिफाइन में आपने उसकी एक दो सर्विसेज स्पेशलाइज सर्विसेज बता दें गुड ओके फाइन थैंक यू ये आप यहाँ से थर्ड रो पे जो बैठे हुए हैं थर्ड पे ये ब्लू शर्ट
ब्लू एंड व्हाइट शर्ट टी शर्ट्स यस, आप थोड़ा सा बताएं कि सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं, स्पेशलाइज सर्विसेज? गुड, ओके, फाइन, गुड। मर्चेंट बैंकिंग प्रोवाइड्स स्पेशलिस्ट, प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सर्विसेज इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, काउंसलिंग, इश्यू मैनेजमेंट एंड अंडर राइटिंग, मर्जर्स एक्विजिशंस, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, लीजिंग एंड सो ऑन। गुड, आपने, मैं आगे पूछता हूँ आपसे, जो आपने वो आई थिंक 17 लिखा था, 17 सर्विसेज हमने आपको, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये बेसिकली यूरोप में ग्रू इन यूरोप, कहाँ से मर्चेंट बैंकिंग का वर्ड आया, और भी कोई हिस्ट्री हो सकती है, आप वो यूनिवर्सिटी मिले आप मुझसे शेयर करें। बेसिकली यूरोप में ये चीज़ ग्रू अप हुई, उसके बाद यूज़ कौन करता था, ओरिजिनेटेड बाय डच एंड स्कॉटिश ट्रेडर्स जो थे वो इस वर्ड को यूज़ करते थे, मर्चेंट बैंकिंग, द वर्ड मर्चेंट बैंकिंग ओरिजिनेटेड बाय अमंग द डच एंड स्कॉटिश ट्रेडर्स एंड वॉज लेटर ऑन डेवलप एंड प्रोफेशनलाइज इन ब्रिटेन, राइट। और अब आप मुझे मेन एक्टिविटीज जरा बताएं, जो 17 एक्टिविटीज थी जिसमें मैंने आपको एडवाइस किया था कि आप थोड़ा आपस में ग्रुप में कर लें, कोई मेन 17 फंक्शंस आप कह सकते हैं, सर्विसेज कह सकते हैं, एक्टिविटीज कह सकते हैं ऑफ मर्चेंट बैंक्स, जो मर्चेंट बैंक प्रोवाइड करता है। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द डिस्कशन, कि प्लीज टेल अस व्हाट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड व्हाट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय मर्चेंट बैंक्स। सो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे भी एक्सपीरियंस में है कि कई स्टूडेंट्स जो हैं वो मर्चेंट बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक को मर्चेंट बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को सही तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते और वो मिक्स कर देते हैं मर्चेंट को कमर्शियल के अंदर और उन्हें कोई सही कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है। अब मैंने आपको मर्चेंट बैंकिंग की डेफिनेशन भी बताई और मर्चेंट बैंकिंग की थोड़ी सी बैकग्राउंड भी बताया, एन ओवरव्यू, और मेन सर्विसेज 17 सर्विसेज बताई थी, और मैंने आपसे कहा था कि आप इसको रिसर्च करें और देखें कि आपके एंड और कोई अगर और भी सर्विसेज कोई आप सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसमें एड ऑन करें, तो प्लीज़ मुझे बताएं कौन सी 17 सर्विसेज हैं। जी कौन बताएगा? जी आप बताएं प्लीज़, ये जो थर्ड ऑन द फर्स्ट रो, थर्ड लास्ट फ्रॉम द वॉल, यस, आप कोई सी भी 3 सर्विसेज बता दें, यस 3, गुड, वर्किंग कैपिटल, गुड, हाँ सोचे, गुड, आपको वेरी गुड, जो आपने, थैंक यू, और नहीं आपने 3 बताई हैं, जी आप जो सबसे आगे बैठे हुए आप, अब आप उन 3 के अलावा कुछ 2 और 3 आप ही बताने की कोशिश करें, जस्ट नेम, अभी हम उसको डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट नेम, जो 3 उन्होंने बता दिए हैं वो नहीं, ओके गुड, वेरी गुड, 2, ओके चलें फाइन, 2 आपने बताई हैं, 5 हो गई हैं जी, यहाँ से कोई 3 बता दे तो हम फिर इसको आगे देखते हैं, 3 कौन बताएगा? जी आप बताएं, जी ये सेकंड रो पे जा बैठे, ओके वो 5 नहीं बतानी आपने उसके अलावा, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, 2, 1 मोर, एक्सलेंट स्टफ। अब देखें आउट ऑफ 17 8 तो उन्होंने बता दी, तो हाफ हमने डिस्कस कर ली, हाफ आपको पता है, ओके। सो ये जो 17 सर्विसेज हैं, प्रोजेक्ट काउंसलिंग बताई आपने, इसमें से कौन सी बताई गई है, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग बताई गई है, मर्जर एक्विजिशन वाली बताई गई है, वर्किंग कैपिटल वाली बताई गई है, वेंचर कैपिटल वाली बताई गई है, म्यूचुअल फंड्स बताई थी, लीजिंग बताई थी, लीजिंग और म्यूचुअल। अब ये 17 जो सर्विसेज हैं, 17 जो फंक्शंस हैं
द मेन फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंक मर्चेंट बैंकिंग आर द फॉलोइंग. देखें मेन फंक्शन आपको 17 बताएं, आप 17 में से कोई 5-7 तो सही तैयार करें अपने लेवल पे और बाकी चले आपको नेम आ दें. तो ये अच्छी कॉर्पोरेट काउंसलिंग कोई आप में से मुझे एक्सप्लेन कर दे वेरी ब्रीफली कॉर्पोरेट काउंसलिंग क्या क्या होता है. वेरी ब्रीफली कॉर्पोरेट काउंसलिंग क्या है कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे. यस आप करें. थैंक यू. गुड एडवाइस देना, काउंसलिंग करना, एडवाइस करना, एडवाइजरी सर्विस देना कॉर्पोरेट लेवल पे. और कौन सी एडवाइस सर्विस देना, जाहिर बात है कॉर्पोरेट लेवल पे कोई ये सर्विस ये कॉर्पोरेट कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को इंस्टीट्यूशन क्या क्या एडवाइस करेंगे. असल में अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो लिंक है वही कैपिटल मार्केट से, बड़ी मार्केट से. कैपिटल मार्केट बड़ी मार्केट होती है जहाँ पे वो कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होती हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं. तो मर्चेंट बैंकिंग जो है वो जब कॉर्पोरेट काउंसलिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट काउंसलिंग कॉर्पोरेट सेक्टर तो वही है जो बड़ा सेक्टर है जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है उसकी काउंसलिंग क्या हो सकती है. उसकी काउंसलिंग हो सकती है कोई इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, प्री इन्वेस्टमेंट स्टडीज कर उनके लिए कर रहे हैं, वो कोई मर्जर करने का सोच रहे हैं या कंपनी एक्वायर करने का सोच रहे हैं, टेक ओवर करने का सोच रहे हैं, या फिर शेयर्स इशू करने का सोच रहे हैं, कोई रिस्ट्रक्चरिंग का सोच रहे हैं, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग का सोच रहे हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सोच रहे हैं. तो कॉर्पोरेट लेवल पर काउंसलिंग करता है कौन, मर्चेंट बैंक्स. और प्रोजेक्ट काउंसलिंग कोई प्रोजेक्ट चल रहा है. अब देखें कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी एनर्जी सेक्टर में बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें वेरी लोकल इन्वेस्टर बहुत कम होता है, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, बिग इन्वेस्टर होते हैं, प्लस मर्चेंट बैंक्स होते हैं, प्लस गवर्नमेंट होती है. अब उसमें प्रोजेक्ट चला उसकी काउंसलिंग करना, उसमें एडवाइस देना अपनी एक्सपर्टीज. अब मर्चेंट बैंक ऐसा कोई मर्चेंट बैंक हो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट्स ले रहा है, अब अगर उसने पहले उसके एक्सपीरियंस में है उन्होंने पास्ट में हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स लिए हैं जिसमें उनके पास एक्सपर्टीज ज़्यादा है, इस फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है. तो अब अगर कोई हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनसे एक्सपर्टीज ली जाती है, प्रोजेक्ट काउंसलिंग कहते हैं इसको, प्री इन्वेस्टमेंट स्टडीज. अब हाइड्रो के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कोल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, थर्मल के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती हैं. इसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स पहले प्री स्टडीज होते हैं, प्री इन्वेस्टमेंट स्टडीज की जाती है प्रॉपर, उस पर प्री इन्वेस्टमेंट स्टडीज होती है और फिर अप्रूवल के लिए जाते हैं. तो प्री इन्वेस्टमेंट स्टडीज वही इंस्टीट्यूट वही इदारे वही बैंक्स कर सकता है जिसके उसमें एक्सपर्टीज हो, जिसके उनके पास प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हो उस एरिया में. और मोस्टली संगे जो बड़े डैम्स बनाते हैं, अब देखें पाकिस्तान में कोई डैम बनेगा जो बन रहे हैं, जो अपराइजिंग हो रही है, तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें फॉरेन इन्वेस्टर फॉरेन मर्चेंट बैंक्स ये इन्वॉल्व होते हैं. इसी तरह इशू मैनेजमेंट एंड अंडरराइटिंग, दिस इज वी डिस्कस्ड. इशू मैनेजमेंट क्या होता है, अंडरराइटिंग क्या होता है. तो इशू का मतलब है आप शेयर इशू करते हैं ना, इशू मैनेजमेंट शेयर इशू कर रहे हैं, अंडरराइटिंग कर रहे हैं, न्यू IPOs कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर रहे हैं, और ये चीज़ें जो है इसको कैसे कौन मैनेज कर सकता है. ऑल दो फर्म के अंदर लोग होते हैं, एक कंपनी के अंदर लोग हैं, लेकिन इसको अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से जो है वो आपका मर्चेंट बैंकिंग कर सकता है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ज़ोंग है, ठीक है ना, क्या है ज़ोंग. अब ज़ोंग के शेयर ऑलरेडी मार्केट में अगर है, स्टॉक मार्केट में है, अब ज़ोंग इशू मैनेजमेंट एंड अंडरराइटिंग में एक मर्चेंट बैंक को ले आता है कि आप हमें इस पर फुल सर्विसेज दें, हमारी अंडरराइटिंग आपने की थी, IPOs हो गए हैं, अगर हम और शेयर इशू करना चाह रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो हमारे हैं उनको हम राइट इशू करना चाह रहे हैं, जो भी है ये. अब ऑफ कोर्स ज़ोन के अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ लोग होंगे जो एक्सपर्टीज रखते हैं, लेकिन कंपनी स्टिल थर्ड पार्टी जिसको आप कहते हैं एक्सटर्नल एडवाइजर मर्चेंट बैंक्स को ऑन बोर्ड रखती हैं, उनसे एडवाइस लेती हैं. सिमिलरली वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मर्जर्स एमलगेशन एंड टेक ओवर्स, ये चीज़ें तो आपने ज़रूर
जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है प्लीज। ये 17 जो आपके मेन फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंक्स हैं, इनको आपने डिटेल में थोड़ा सा देखना है। और अगर ग्रुप वाइज कर रहे हैं आप 4-4-5-5 फंक्शंस आपस में डिवाइड कर लें और उसके बाद आपस में शेयर करें, नॉलेज शेयर करें और एक दूसरे को बताएं, ताकि आपको इन 17 के ऊपर, मैं कोशिश करूंगा जो भी रिमेनिंग लेक्चर्स हैं हमारे, मैं जो मैक्सिमम जो कुछ करा इसके ऊपर डिस्कस हम कर लेंगे। लेकिन इस लेवल पे जब भी मैंने स्टूडेंट्स को ये चीज़ें दी हैं, स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और एक सर हमने जब खुद फाइंड आउट किया, कुछ आपने करा दिया, हमने फाइंड आउट किया, क्योंकि जो चीज़ आप रिसर्च करेंगे, जो चीज़ आप ढूंढेंगे जाके और फिर अपने वर्डिंग में लिखेंगे उसको और फिर उसको कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे, रीड करेंगे, वो आपको नहीं भूलेगी। वो आपको कहते हैं ना, बड़ा सॉलिड आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको वो चीज़ अच्छी तरह याद रहेगी। और मेरा एक मकसद भी यही कराने का है। मेन पर्पस बिहाइंड दिस एक्सरसाइज इज टू मेक श्योर कि आप उसको पर्सनली खुद करें, ग्रुप्स में करें, इंडिविजुअल करें, डिस्कस करें, ग्रुप में डिस्कस करें और फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। गुड। पब्लिक इशू मैनेजमेंट, दिस इज वी डिस्कस लास्ट टाइम कि पब्लिक इशू मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, पब्लिक इशू मैनेजमेंट होता है जो मैनेजमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर ऑफर्ड टू द पब्लिक ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन अ राइट्स बेसिस इज नोन एज पब्लिक इशू मैनेजमेंट। इसमें मर्चेंट बैंक्स एंड लीड मैनेजर्स, अ फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी लाइक पाकिस्तान ऑफर्स ट्रीमेंडस स्कोप फॉर इशू मैनेजमेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे स्कोप है इशू मैनेजमेंट का, लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आपसे के कुछ इशूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर एंड डेमोक्रेसी, ये दो चीज़ें हैं पाकिस्तान में, लॉ एंड ऑर्डर एंड डेमोक्रेसी। लॉ एंड ऑर्डर सही हो और डेमोक्रेटिक सिस्टम हम चल रहे हों तो आप देखें पाकिस्तान में, जिस तरह आप कमर्शियल बैंक्स देख रहे हैं राइट लेफ्ट, इसी तरह आप देखेंगे कि मैं इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में। सो ये क्विक रिव्यू था आपका लेक्चर 29 का, 28 का। तो अब हमारे पास आ गया लेक्चर 29, कैटेगरीज ऑफ सिक्योरिटीज इश्यूज। जब आप शेयर इशू करते हैं उसकी क्या कैटेगरीज होती हैं। ठीक, कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज एंटरप्राइज यूज सेवरल सोर्सेज ऑफ फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनको जब फंड्स की जरूरत होती है, ठीक है, अब देखें जब आप काम कर रहे हैं, कौन सा आप सोल प्रोवाइडर, आप छोटी फर्म है आपकी, तो आप जब बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं या बिजनेस की कोई नीड्स आई है, कोई मशीनरी, कोई एसेट खरीद रहे हैं, तो आप खुद पैसा लेते हैं या फिर जाके बैंक से लोन ले लेते हैं। सेम अप्लाइज ऑन अगर आपकी पार्टनरशिप है, फर्म है, एक पार्टनरशिप के तो आप कंपनी आप चला रहे हैं, 3 partners, 5 partners, 20 partners हैं, आप लोग बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं या बिजनेस के एसेट्स बाय करने, आप लोग या तो आप सब अपने अपनी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करते हैं सब पार्टनर्स, और या फिर जाकर लोन लेते हैं। जब कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस, बड़ी इंटरप्राइजेस हैं जो लिस्टेड, जिसको हम कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं, वो सेवरल सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स, अब उनको फंड्स की ज़रूरत है, एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जोंग पाकिस्तान जो है, जोंग टेली कम्युनिकेशन की बड़ी कंपनी है, जोंग जो है वो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही है। अब न्यू प्रोजेक्ट्स पहले तो फिजिबिलिटी बननी, सब चीज़ें होती हैं, जब अप्रूवल हो जाए यस इस प्रोजेक्ट पर जाना चाहिए, अब उसको फंड कैसे करेंगे। ठीक है, ये आता है कि इन्वेस्टमेंट तो होगी है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो हो गया कि इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने से पहले जिस बहुत सी चीज़ें उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखी जाती हैं। जब आप इस पोजीशन पर पहुंचते हैं कि ठीक है ये इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव NPV आ रहा है, इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी को इसमें प्रॉफिट होगा, तो अब सेकेंड स्टेज आ गई, हाउ टू फाइनेंस दोज प्रोजेक्ट, फाइनेंसिंग डिसीजन, कैसे फाइनेंस करेंगे। वहाँ पे ये मर्चेंट बैंकिंग का काम आया था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम आया था,
कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज यूज सेवरल सोर्सेज फॉर रेजिंग फंड्स फॉर फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट किसको कहते हैं? स्टॉक चेंज, कैपिटल बड़ी मार्केट, तो स्टॉक चेंज। तो कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज जो है वो यूज सेवरल सोर्सेज फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में सेवरल सोर्सेज यूज करते हैं। इश्यूज ऑफ शेयर्स कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट मोड ऑफ रेजिंग सच फाइनेंस। इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज, इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट। जब मैंने बताया जब जोंग कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज जोंग एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहा है तो उसकी नज़र होगी कैपिटल मार्केट पे, स्टॉक चेंज पे, कि अब इस प्रोजेक्ट को जो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अप्रूव हो गया कि इन्वेस्टमेंट करनी है, वी नीड फॉर एग्जाम्पल 100 मिलियन। अब 100 मिलियन रुपीज कहाँ से आएंगे? आप या तो सारे अपनी इक्विटी कर दें, या रिटेन अर्निंग यूज करें, या फिर आप बाय स्टॉक चेंज की तरफ, कैपिटल मार्केट की तरफ देखें। मोस्टली कंपनीज, मोस्टली शेयर होल्डर्स प्रेफर करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट की तरफ जाएं, ना कि उनकी अपनी रिटेन अर्निंग यूज़ करें, ना वो खुद इन्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं नहीं, कंपनी यहाँ पर है, हमारी रिप्यूट है, हमारा नाम है, हमारा ब्रांड है और हमारी हिस्ट्री है, तो हम स्टॉक मार्केट में हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो क्यों ना लोगों से पैसे लिए जाएं, उनको शेयर्स देंगे और प्रोजेक्ट चलाएंगे, कंपनी भी ऊपर जाएगी, कंपनी का प्रॉफिट भी हम रखेंगे। तो ये मेन चीज़ ये है। सिक्योरिटी इश्यूज टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब जो शेयर इश्यूज होते हैं उनकी फॉर्म्स क्या हैं? ये बड़े इंपॉर्टेंट जो आपके सामने ये टर्मिनोलॉजी रखी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक इशू, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ये जो डी स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, पब्लिक इशू, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये दिस इज वेरी जनरल टर्मिनोलॉजी विच नॉर्मली आस्क इन इंटरव्यू सेशन। इंटरव्यू सेशन होता है, एमबीए के स्टूडेंट्स आते हैं, पूछते हैं व्हाट इज मीन बाय राइट इशू एंड व्हाट इज मीन बाय पब्लिक इशू, प्लेसमेंट इशू क्या होता है, प्राइवेट इशू क्या होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक इशू क्या है, राइट इशू क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है। ये क्या चीज़ है? ये सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी जो शेयर इश्यूज है, टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म। इन फॉर्म्स में, इन शक्लों में शेयर्स कंपनी इशू करती है। किन फॉर्म है? पब्लिक इशू, राइट इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। किस तरह? पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज क्या चीज़ है? पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज क्या है? व्हेन कैपिटल फंड्स आर रेज थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोस्पेक्ट्स, इट इज कॉल्ड पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज। When capital funds are raised through the issue of a prospectus, it is called public issue securities. It is the most common method of raising funds in the capital market. It is the most common method of raising funds in the capital market. A security issue may be take place either at par or at a premium or at a discount. A share issue किस पे हो सकता है? इशू में भी आइदर प्लेस आइदर एट पार, एट अ प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। द प्रोस्पेक्टस हैज टू डिस्क्लोज ऑल द एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट द कंपनी टू द प्रोस्पेक्टिव परचेजर ऑफ द शेयर्स। अब जो हमने बात की ना कि ये व्हेन कैपिटल फंड्स आर रेज्ड थ्रू द इशू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, इट इज कॉल्ड पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज। तो इसका मतलब क्या है कि इसको पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये है भी बहुत कॉमन है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स इन द कैपिटल मार्केट। शेयर सिक्योरिटी इशू में टेक प्लेस आइदर एट पार, एट प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। इसमें डियर स्टूडेंट्स चीज़ ये है कि इशू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, रेज थ्रू इशू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, इसको इसलिए पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज कहते हैं, ये प्रोस्पेक्टस पे होती है। प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि आपने जो परचेजर है, जो शेयर परचेज करने आ रहा है, उसको सब इंफॉर्मेशन देनी है। क्या कहना है? द प्रोस्पेक्टस हैज टू डिस्क्लोज, प्रोस्पेक्टस हैज टू डिस्क्लोज ऑल द एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट द कंपनी टू द प्रोस्पेक्टिव परचेजर ऑफ द शेयर। सो जो हम इशू कर रहे हैं शेयर, पब्लिक इशू, उसमें हमने सब कुछ डिस्क्लोज करना, ऑल द एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट द कंपनी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये कंपनी की है। ये अगर मर्चेंट बैंक आपके शेयर इशू करवा रहा है उसकी है कि वो ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी हर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे, हर मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे, हर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे, किसको? परचेजर को, जो शेयर्स बाय कर रहे हैं।
इसलिए इसको कहते हैं पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज. सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंसिस्ट ऑन द एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट शुड सर्व एज अ बेसिस फॉर इन्वेस्टर्स टू मेक अ डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर मनी. एससीसीपी क्या इंसिस्ट करता है, इंसिस्ट ऑन द एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन. सो एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट शुड सर्व एज अ बेसिस ऑफ फॉर इन्वेस्टर टू मेक डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर मनी. तो पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज आपसे पूछा जाए क्या है, पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज क्या है, जो आपने देखा है शेयर इशूज टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स. पब्लिक इशू, पब्लिक इशूज में ये कि जब आप कंपनी के शेयर इशू करते हैं जनरल मार्केट में ऑफर करते हैं और परचेजर आपके आपके शेयर्स बाय करते हैं, लेकिन आपको कंपनी के बारे में सब इंफॉर्मेशन सब फैक्ट्स उनके सामने रखने और डिस्क्लोज करने हैं, ठीक है, आपको करना है ताकि आपको कस्टमर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कस्टमर बाउंड नहीं है कि वो आपसे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो शेयर इशू कर रहा है. कौन से शेयर, पब्लिक इशू, पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स. जब ये चीज इशू कर रहे हैं तो आपको सारे फैक्ट्स अबाउट द डिस्क्लोज करने, सब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है किसको, प्रोस्पेक्टिव परचेजर ऑफ द शेयर्स. एससीसीपी जो भी है, जो मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बॉडी है यहाँ पे जो ये कैपिटल मार्केट्स को देखती है, ऑन द एडवोकेसी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट शुड सर्व एज द बेसिस फॉर इन्वेस्टर टू मेक डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर मनी. राइट इशू, राइट इशू क्या है, हमने देखा पब्लिक इशू था और दूसरा राइट इशू. When shares are issued to the existing shareholding of a company on a privileged basis, it is called right issue. देखिए कितनी सिंपल एग्जाम्पल आपको बताइए, और ये मैंने आपको बताया कि ये राइट इशू, पब्लिक इशू, प्लेसमेंट ऑफ इशू, प्राइवेट इशू, ये चीज़ें आपको बींग एन एमबीए स्टूडेंट्स आनी चाहिए. ये आप आई थिंक अकाउंटिंग में भी आप पढ़ा होगा, कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा आपने. तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट से पूछते हैं हम, वाई वे में नहीं आता, ब्लैंक हो जाते हैं. व्हेन शेयर्स आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, आप कंपनी जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स हैं उनको किसी प्रिविलेज बेसिस पे, ठीक है ना, बेनिफिट बेसिस पे, ऑन अ प्रिविलेज बेसिस के डिस्काउंट करके या कोई प्रिविलेज दे के, कोई फायदा दे के उनको शेयर इशू करती है, किनको, जो ऑलरेडी जिनके पास शेयर हैं उसको हम कहते हैं राइट इशू. द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव अ प्रीमिटिव राइट टू सब्सक्राइब टू द न्यू इशू ऑफ शेयर. ऑब्वियसली जब आप देखें आप जोन के शेयर होल्डर हैं, आप जोन के शेयर होल्डर हैं और जोन जो है वो मार्केट में न्यू शेयर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, न्यू शेयर ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं आपका राइट तो बनता है पहले वो शेयर्स बाय करने का. फर्स्ट थिंग, अगर आपका राइट बनता है शेयर्स बाय करने का तो आपको थोड़ा सा प्रिविलेज भी होना चाहिए कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, ओल्ड शेयर होल्डर हैं, ऑलरेडी जोन के साथ हैं, आपकी लॉयल्टीज जोन के साथ हैं. तो अगर मार्केट में एक शेयर जोन का 10 रुपीज़ का सेल हो रहा है जो कंपनी ऑफर कर रही है, तो क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इनकरेज करने के लिए वो 10 की जगह 9 का ऑफर नहीं कर सकते, यस. तो इसको कहते हैं ऑन अ प्रिविलेज बेसिस, ऑन अ प्रिविलेज बेसिस. सो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव अ प्रीमिटिव राइट टू सब्सक्राइब द न्यू इशू ऑफ शेयर्स. राइट शेयर्स आर ऑफर्ड एज एडिशनल इशूज बाय कॉर्पोरेट टू मॉप अप फर्दर कैपिटल फर्म. तो राइट शेयर्स जो होते हैं वो एडिशनल इशूज होते हैं, आर ऑफर्ड एज एडिशनल इशूज बाय कॉर्पोरेट टू मॉप अप फर्दर कैपिटल फंड्स. सो राइट इशू आपको पता चल गया, राइट से देखें, हक आपका राइट है, राइट इशू से याद रखें जो राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं और राइट इशू शेयर्स जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं और थोड़ा सा वो प्रिविलेज बेसिस पे होते हैं. किस बेसिस पे, प्रिविलेज बेसिस पे, और ऑब्वियसली प्रिविलेज क्या है कि आपको कुछ डिस्काउंट पे होगा. अब ये शेयर इशूज टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म, पब्लिक इशू आपने देखा क्या था और हमने राइट इशू देखा वो क्या था.
अब आज हम प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, पब्लिक का भी आगे चल गया और राइट गई, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, व्हेन द इशूइंग कंपनी सेल्स शेयर्स डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इट टेक्स द फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. व्हेन द इशूइंग कंपनी सेल्स सिक्योरिटीज और शेयर्स डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर स्पेशली और पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इट टेक्स द फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. अब आपकी कंपनी डायरेक्टली सेल कर रही है शेयर्स और इन्वेस्टर्स को सेल कर रही है और जनरली वो किसको कर रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर को, कॉर्पोरेट सेक्टर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आप कहते हैं, राइट. अब जोंग के शेयर्स हैं, उसको कोई बहुत बड़ा इदारा उसके शेयर्स बाय करता है, कौन कर सकता है, जोंग के शेयर ओजीडीसी बाय कर ले, जोंग के शेयर अगर कॉमसेट्स की पॉलिसी है कि कुछ प्रॉफिट्स हैं, कोई रिटेन अर्निंग्स हैं, कुछ सेविंग्स है, वो बाय करे, कॉमसेट्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. जोंग के शेयर फॉर एग्जांपल कोई बैंक बाय कर लेता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. पाकिस्तान स्टील मिल बाय कर लेती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. जब ये चीज़ होती है, जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपके आपके शेयर्स बाय करते हैं और ये डायरेक्टली इन्वेस्टर को सेल किए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट. अब इस ये कैसे डिफरेंट है राइट इश्यू से या कौन सा इशू, राइट इशू एंड पब्लिक इशू, सॉरी राइट इशू और पब्लिक इशू से कैसे डिफरेंट है, क्या चीज़ राइट इशू से कैसे डिफरेंट है ये. इन दिस केस नो प्रोस्पेक्टस इज इशूड. पब्लिक और राइट इशू था ना आपका, अब ये प्राइवेट है. पब्लिक इशू आपने पढ़ा, राइट इशू पढ़ा, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है. इन दिस केस नो प्रोस्पेक्टस इज इशूड सिंस इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द इन्वेस्टर्स हैव सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड आर कैपेबल ऑफ इवेल्युएटिंग द रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट. इन दिस केस नो प्रोस्पेक्टस इज इशूड सिंस इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द इन्वेस्टर्स हैव सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड आर कैपेबल ऑफ इवेल्युएटिंग द रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट. कैसा प्राइवेट प्लेसमेंट डिस्टेंस ये है कि कंपनी जो अपने शेयर सेल करते हैं वो डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स को करते हैं, डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स और पर्टिकुलरली और स्पेशली कौन से इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर जो इंडिविजुअल्स नहीं इंस्टीट्यूशनल, उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं. अब इसमें इन दिस केस नो प्रोस्पेक्टस इज इशूड. आपने देखा होगा पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू होता है कि आपको बताया जाता है, कंपनी की ऑल इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी जाती है. ये देखें पब्लिक इशू क्या, व्हेन कैपिटल फंड्स आर रेज थ्रू द इश्यू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस इट इज कॉल्ड पब्लिक. और प्रोस्पेक्टस क्या होता है, टू डिस्क्लोज ऑल द एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट द कंपनी टू द प्रोस्पेक्टिव परचेजर ऑफ द शेयर्स. इसमें प्रोस्पेक्टस इशू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस है और प्राइवेट में प्राइवेट प्लेसमेंट में no prospectus. In this case no prospectus is issued since it is presumed that the investors have sufficient knowledge and experience and are capable of evaluating the risk of this investment. Private placement mein, private issue mein aap koi prospectus issue nahi karte aur aap assume karte hain, presume karte hain ki aap jo investor hai, institutional investor hai, usko सफिशेंट नॉलेज है हमारी कंपनी के बारे में, हमारी इंडस्ट्री के बारे में, हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में और एक्सपीरियंस है उसे और वो इस खुद ही इतना कैपेबल है कि वो एनालिसिस कर सकता है, वो इवेल्यूशन कर सकता है रिस्क और इन्वेस्टमेंट की. ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है प्राइवेट प्लेसमेंट कि आप बाउंड नहीं है प्रॉस्पेक्टस इशू करने के, आप कोई प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करते और जो इन्वेस्टर है वो अपनी कैपेबिलिटी अपने एंड पे रिस्क और फैक्टर सारे एवेल्युएट कर लेता है. आप समझते हैं कि वो इतना नॉलेज एवल है, इतना प्रोफेशनल है, इतना एक्सपीरियंस है, इतना कैपेबल है कि आपकी कंपनी के बारे में रिस्क और प्रोज एंड कॉन्स और बेनिफिट सब एवेल्युएट कर सकता है. तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट है. तो टू थिंग्स इंपॉर्टेंट है प्राइवेट प्लेसमेंट में, एक तो आप ध्यान रखें बुलेट पॉइंट के तौर पर प्राइवेट प्लेसमेंट बिग
इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली है, और इसलिए इसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं. इट इज टेक्स द फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. सेकंडली नो प्रॉस्पेक्ट इज इश्योर. नो प्रॉस्पेक्ट इज इश्योर तो आपको चीज को समझने में और आसानी हो जाएगी. नो प्रॉस्पेक्ट इज इश्योर. प्राइवेट प्लेसमेंट कवर्स शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स. जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो जस्ट मॉडर्न शेयर्स, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स को कवर करता है. द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी सच एज मर्चेंट बैंकर्स. मर्चेंट बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है ना, जो भी काम कर रहा है कंपनी के साथ, कैपिटल मार्केट की उनको फैसिलिटेट कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो एज ए इंटरमीडियरी काम कर रहा है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी सच एज मर्चेंट बैंकर्स एंड लीव मैनेजर्स assumes greater significance in private placement. Assume greater significance in private placement. They involve themselves in the task of preparing an offer memorandum and negotiating with the investor. They involve themselves in the task of preparing an offer memorandum and negotiating with investors. Okay. अब इसमें क्या चीज़ है? प्राइवेट प्लेसमेंट जो है ये शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स कवर करता है, और इसमें मर्चेंट बैंक जो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहा है. मर्चेंट बैंक प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. इसमें दे इन्वॉल्व देमसेल्फ इन टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग एन ऑफर. और मर्चेंट बैंक इसमें क्या करता है, जो हमने आपने सर्विसेज पढ़ी हैं, 17 सर्विसेज आपने देखी हैं, फंक्शंस जो मर्चेंट बैंक देखें उसमें प्रिपेयरिंग एन ऑफर मेमोरेंडम एंड नेगोशिएशन विद इन्वेस्टर्स. तो मर्चेंट बैंक एज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के तौर पे काम कर रहा है. वो ऑफर तैयार करता है इन्वेस्टर के लिए कि वो इन्वेस्ट करे, और नेगोशिएटिंग कराता है क्लाइंट के साथ. ठीक है, अब आप देखें जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें मैंने बताया वो इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, तो उसमें ऑब्वियसली वो बीच में चाहेंगे कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के तौर पे काम करे. जब भी कोई कंपनी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के तौर पे काम करेगी उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा. वो एक एक बायस्ड बायस किस्म की रिपोर्ट इशू नहीं कर सकती, या बायस किस्म की कमेंट्स या किसी भी कंपनी के बारे में. वो इंडिपेंडेंट है, वो उसे जो है वो इम्पार्शियल होके काम करती है. जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी उनका इंटरेस्ट बोथ साइड होता है कि दोनों क्लाइंट और द इन्वेस्टर. ठीक है ना, ये कंपनी है और उसका इन्वेस्टर उसका क्लाइंट है, इनको आपस में मिलाया जाए, इन्वेस्ट कराया जाए. सो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑब्वियसली कमांड्स एंड एडवांटेज ओवर द पब्लिक इशू ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. प्राइवेट प्लेसमेंट को पब्लिक इश्यूज में, पब्लिक इशू में आपने देखा कि प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, कंपनी के ऊपर है कि कंपनी जो परचेजर है, जो बायर है शेयर्स का, उसको फुल पिक्चर कराए अपने अपने इंडस्ट्री की, अपनी कंपनी परफॉर्मेंस की फुल इंफॉर्मेशन दे. तो प्राइवेट प्लेसमेंट जो है ऑब्वियसली उसमें प्लस पॉइंट है कि प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो कमांड ऑन एडवांटेज ओवर द पब्लिक इशू ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. किस तरह उसको कमांड है ओवर द पब्लिक? स्पीड एंड कॉन्फिडेंशियली ऑफ इशू. उसमें स्पीड एंड कॉन्फिडेंशियली ऑफ इशू आ जाता है. इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रोसीजर स्पीड में रहता है और थोड़ी कॉन्फिडेंशियली भी रहती है. पब्लिक में तो आपने सब कुछ डिस्क्लोज करना है. यू हैव टू डिस्क्लोज इन पब्लिक इशू, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स इन फ्रंट ऑफ परचेजर. बट इन पब्लिक, इन प्राइवेट आप वो आप प्रिज्यूम करते हैं कि उसे आपकी कंपनी में सारा आपकी इंडस्ट्री के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में सफिशिएंट नॉलेज और एक्सपीरियंस है. एक्सेस टू कैपिटल मार्केट मोर क्विकली देन अ पब्लिक इशू विच मे टेक 6 मंथ्स टू 1 ईयर. अ पब्लिक इशू में, पब्लिक इशू टाइम कंज्यूमिंग, उसमें बर्डन ऑफ एविडेंस, बर्डन ऑफ जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट परफॉर्मेंस है वो आपने शो करना है कि कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है, इसलिए उस पर टाइम कंज्यूमिंग है. 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स. एक्सेस टू कैपिटल मार्केट मोर क्विकली देन द पब्लिक इशू. प्राइवेट जो है वो क्विकली है. कितना प्राइवेट में टाइम लेता है? टाइम टेकन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट इज जस्ट 2 to 3 मंथ्स. टाइम टेकन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट इज जस्ट टू
जस्ट 2 to 3 months एक्सेस टू कैपिटल मार्केट मोर क्विकली देन अ पब्लिक इशू विच मे टेक 6 months टू 1 year टाइम टेकन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट जस्ट 2 to 3 months ये एडवांटेज है किसको प्राइवेट प्लेसमेंट को पब्लिक के ऊपर और क्या एडवांटेज है प्राइवेट प्लेसमेंट इज लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल बिकॉज ऑफ फ्यू कंप्लायंस प्रोसीजर प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट वो लेस एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली जब आपको हर चीज खुद बतानी है परचेजर को तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन आपकी इंफॉर्मेशन आपकी रिपोर्ट्स आपका डेटा आपके फिगर्स ये चीज आपको सब फिर डिस्क्लोज करना पड़ता है जब प्राइवेट में ये है कि आप ये लेस आपने नहीं ये चीज आपने शो नहीं करनी डिस्क्लोज नहीं करनी और आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है उसको पता है नो प्रोस्पेक्ट इज इशू वो खुद उसको सफिशिएंट नॉलेज है उसको एक्सपीरियंस है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे मार्केट शेयर के बारे में लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल बिकॉज ऑफ फ्यूर कंप्लायंस प्रोसीजर एडवांटेजेस टू स्मॉल कंपनीज विच कैन नॉट अफोर्ड अ पब्लिक इशू बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस इन्वॉल्व एडवांटेज टू स्मॉल कंपनीज विच कैन नॉट अफोर्ड अ पब्लिक इशू बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस छोटी कंपनी जो है वो इसको अफोर्ड कर सकती हैं क्योंकि इसमें जैसे पब्लिक इशू में बताया कि आपको पब्लिक इशू में आपको सब चीज़ बहुत सा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है तो जो स्मॉल कंपनीज हैं एडवांटेज स्मॉल कंपनीज जो अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट करें इंस्टेड ऑफ पब्लिक प्लेसमेंट तो वो उनके लिए स्मॉल कंपनीज कैन ईजिली अफोर्ड ideally suited to companies which need only relatively limited amount of capital fund un companies ke liye ideally hai kya cheez private jo jinhe koi limited funds ki zarurat ho zyada funds ki zarurat na limited funds ki zarurat ho to wo unke liye ideally hai ideally suited to companies which need only relatively limited amount of capital funds ab aap dekhe वी डिस्कस दिस पब्लिक इशू राइट इशू एंड प्राइवेट इशू सो अब आपने तीनों इशू डिस्कस किए आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये आना चाहिए कि पब्लिक इशू क्या होता है प्राइवेट इशू क्या होता है और राइट इशू क्या होता है आप पब्लिक इशू में आपने देखा है कि इसमें प्रॉस्पेक्टस इशू होता है और सबसे एक्सपेंसिव है कॉमन मेथड भी है इसमें आपने डिस्क्लोज करना ऑल एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट द कंपनी टू द प्रॉस्पेक्टस परचेजर ऑफ द शेयर्स आपने डिस्क्लोज करनी सब कंपनी की इंफॉर्मेशन यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट द कंपनी टू द प्रॉस्पेक्टिव परचेजर ऑफ द शेयर्स ये पब्लिक इशू है जो है भी मोस्ट कॉमन है लेकिन एक्सपेंसिव भी है ये कौन से हमने देखा पब्लिक इशू अब राइट इशू देखें राइट इशू क्या चीज़ होती है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप शेयर इशू करते हैं और प्रिविलेज बेसिस पे ये राइट इशू है व्हेन शेयर्स आर इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी ऑन अ प्रिविलेज बेसिस इट इज कॉल्ड राइट इशू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव अ प्रीमिटिव राइट टू सब्सक्राइब ठीक है वो ये राइट इशू आ गया और जो प्राइवेट इशू है प्राइवेट प्लेसमेंट है उसमें वो बड़े इन्वेस्टर्स को इशू इसमें स्पेशली इन्वॉल्व होते हैं और कोई प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं होता व्हेन द इशूइंग कंपनी सेल्स शेयर्स डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं प्राइवेट इशू कहते हैं इन दिस केस नो प्रॉस्पेक्टस इशू सिंस इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द इन्वेस्टर्स हैव सफिशियंट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड आर कैपेबल ऑफ इवैल्यूएटिंग द रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट तो ये प्राइवेट हो गया प्राइवेट इशू में आपने देखा प्राइवेट इशू में क्या है क्या चीज़ होती है शेयर्स हैं प्रेफरेंस हैं डिबेंचर्स हैं और इसमें इसका फ़ायदा क्या है प्राइवेट को पब्लिक के ऊपर या राइट के ऊपर क्या फ़ायदा है प्राइवेट में कि स्पीड एंड कॉन्फिडेंशियली ऑफ इशू है स्पीड जल्दी काम हो जाता है प्राइवेट जो है वो 2 to 3 months में होता है और पब्लिक जो है 6 months to 1 year टाइम लेता है कॉन्फिडेंशियली का भी इशू है कि प्राइवेट में ज़्यादा है लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल लेस एक्सपेंसिव मेथड है रेजिंग कैपिटल का एडवांटेज स्मॉल कंपनीज वो स्मॉल कंपनीज हैं जो कैन नॉट अफोर्ड पब्लिक इशू नहीं पब्लिक इशू इज एक्सपेंसिव एक्सरसाइज एज कम्पेयर टू प्राइवेट इशू तो स्मॉल कंपनीज को ये सूट करता है क्या प्राइवेट
आइडली सुटेड टू कंपनीज विच नीड ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड्स, जो बड़े के फंड्स के बिजनेस को जरूरत ना हो, थोड़े फंड्स की जरूरत हो, उनके लिए प्राइवेट ज्यादा सूट करता है। अब इसमें आ जाए इशू मैनेजर, इशू मैनेजर कौन है, ठीक है, ये सब मर्चेंट बैंकिंग के अंदर की बात कर रहे हैं, पब्लिक इशू मैनेजमेंट का। इशू मैनेजर एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडियरी विच कैन कैरी आउट द एक्टिविटीज कनेक्टिंग विद द इशू मैनेजमेंट इज रजिस्टर्ड विद द SECP and can follow its regulation and guidelines is capable of venturing into issues management. अब देखें कोई भी institution है, कोई भी financial intermediary है जो carry out activities connecting with the issue management, issue management के साथ जो भी वो काम करता है उसको register होना पड़ता है financial institution में, merchant bank, ठीक है ना, कोई भी merchant bank है, investment bank है या financial company है जो ये इशू मैनेजमेंट के काम करती है, उसको पाकिस्तान में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है कैपिटल मार्केट की, उसको कहते हैं SECP, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ रजिस्टर होना है एंड कैन फॉलो इट्स रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस। तो SECP की गाइडलाइंस रेगुलेशन को फॉलो कराना है। इज कैपेबल ऑफ वेंटरिंग इंटू इशूज मैनेजमेंट, इशू मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर मर्चेंट बैंकिंग। ऑब्वियसली इशू मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। तो इशू मैनेजर जो है वो जो भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, जो भी मर्चेंट बैंक है वो या इंटरमीडियरी फाइनेंस कंपनी है जो ये एक्टिविटीज करती है इशू मैनेजमेंट की, उसको सबसे पहले SECP के पास रजिस्टर होना है और SECP की रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस को वो मेक श्योर करा के फॉलो करें। और ये मर्चेंट बैंक की एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब कौन इशू मैनेजर रिक्वायरमेंट क्या, SECP क्या रिक्वायरमेंट है इशू मैनेजर, हु कैन बी इशू मैनेजर। द इशू मैनेजर नीड्स टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स बिफोर बीइंग अलाउड बाय द SECP टू कैरी आउट वेरियस इशू मैनेजमेंट एक्टिविटीज। कौन सा है, द इशू मैनेजमेंट नीड्स टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स बिफोर बीइंग अलाउड बाय द SECP टू कैरी आउट वेरियस इशू मैनेजमेंट एक्टिविटीज। भाई ये आगे इशू मैनेजर कौन हो सकता है, एडिक्वेट एंड नेसेसरी, मतलब ऐसा कौन सा अदारा हो सकता है, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात कर लें जो ये सर्विसेज देगा किसकी, इशू मैनेजमेंट की, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, फॉलोइंग चीज़ें होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एडिक्वेट एंड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एडिक्वेट ऑफिस स्पेस इक्विपमेंट एंड मैन पावर टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज एक्टिविटीज। अब आप जब मैंने बताया कि जैसे कमर्शियल बैंकिंग है, कमर्शियल बैंकिंग का भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपको पता है, जब कमर्शियल बैंक में आप जाते हैं बैंक विजिट करते हैं क्या कुछ है। अब जब आप इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें, मर्चेंट बैंक की बात करें, उसका कैसा गेटअप होना चाहिए, कैसा सेटअप होना चाहिए, क्या टेक्निकली स्टफ वहाँ पे होना चाहिए जो SECP की रिक्वायरमेंट भी है। एडिक्वेट एंड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एडिक्वेट ऑफिस स्पेस इक्विपमेंट्स एंड मैन पावर टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज एक्टिविटीज, ये चीज़ मस्ट है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, आपका ऑफिस स्पेस अच्छी हो, आपके इक्विपमेंट्स एंड मैन पावर जो है वो टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज एक्टिविटीज को कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ 2 पर्सन नीडेड हु आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड इन लॉ फाइनेंस और बैंकिंग मैनेजमेंट एंड हैव द एक्सपीरियंस टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द मर्चेंट बैंकिंग और मर्चेंट बैंकर, वेरी गुड। अब आपने वैसे एक बैंक नहीं बना लिया और SECP से इजाज़त नहीं, जैसा आप कमर्शियल बैंक बनाते हैं, कमर्शियल बैंक का प्रॉपर लाइसेंस अप्लाई करते हैं, सेम प्रिंसिपल अप्लाईज ऑन दी मर्चेंट बैंकिंग साइड। आप मर्चेंट बैंकिंग कर रहे हैं, आपको प्रॉपर एक सेटअप बनाना है और लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, परमिशन के लिए अप्लाई करना है SECP को। SECP आपको देखेगा कि आपका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास एडिक्वेट और रीजनेबल ऑफिस स्पेस है, इक्विपमेंट्स हैं और मैन पावर है, उसमें मिनिमम आप वह देखें 2% नीडेड मिनिमम। क्या प्रोफेशन क्वालिफाइड इन लॉ में क्वालिफाइड बंदा हो, फाइनेंस में हो और बैंक या बैंकिंग में, मैनेजमेंट एंड हैव द एक्सपीरियंस टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द मर्चेंट बैंकर। एक्सपीरियंस क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, नॉट ओनली क्वालिफाइड नॉट ओनली एक्सपीरियंस, ठीक है। अब प्रोफेशनली क्वालिफाइड, अब प्रोफेशन क्वालिफाइड का क्या मतलब है, प्रोफेशन क्वालिफाइड का मतलब है कि प्रोफेशनल डिग्री हो, लॉ की हो, बैरिस्ट्री हो, उस लेवल पे हो, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की हो, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो या MS फाइनेंस हो, बैंकिंग का
प्रोफेशनल बैंकिंग डिप्लोमा जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स यूके है, इनके प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो और खाली क्वालिफाइड ना हो, एक्सपीरियंस भी हो एंड हैव द एक्सपीरियंस टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द मर्चेंट बैंकर फुलफिलिंग द कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट आई मिनिमम नेट वर्थ 5 करोड़ फुलफिलिंग द कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट आई ई मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 5 करोड़ ये आई थिंक इससे ज़्यादा है बल्कि 5 to 7 करोड़ तक है। अब ये चीज़ ऐसी है कि आपको कैपिटल एडुकेसी भी होनी चाहिए, आपके पास स्पेस भी है, आपके पास इक्विपमेंट्स भी हैं, मैन पावर भी है, देन यू हैव प्रोफेशनल क्वालिफाइड पीपल फ्रॉम लास्ट साइड फ्रॉम बैंकिंग साइड और फाइनेंस साइड विच इज़ वेरी गुड एंड एक्सपीरियंस यू हैव मिनिमम 2 एक्सपीरियंस क्वालिफाइड स्टाफ बट यू ऑल्सो नीड कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट कैपिटल सफिशेंट फंड्स तो ये चीज़ें हैं इशू मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट के लिए। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स के आपने ये चीज़ पढ़ी अभी इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आपने ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह क्योंकि ये मेन चीज़ें के अंडरस्टैंड करना हम स्लोली जाएँ बस श्योरली जाएँ कि आपको चीज़ें मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने इसको ज़रूर देखना है इस स्लाइड को अच्छे तरीके से आगे कैसे आपको पता होना चाहिए पब्लिक इशू क्या है राइट इशू क्या है और प्राइवेट इशू क्या है। प्लीज़ 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 आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये लेक्चर 20 सब है पब्लिक इशू मैनेजमेंट पब्लिक इशू मैनेजमेंट और इसी के अंदर ये चीज़ आती है कि पब्लिक इशू मैनेजमेंट में आपने पढ़ा कि जो सिक्योरिटीज हैं उसकी 3 सिक्योरिटी इशूज टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म्स कौन सी फॉर्म है पब्लिक इशू राइट इशू एंड प्राइवेट इशू। आई एक्सपेक्ट यू कि कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज़ में आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे और लर्न करके आएंगे और फिर हमने इसमें देखा कि इशू मैनेजर क्या होता है। इशू मैनेजर जो है वो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंटरमीडियरी है अब इसमें SECP की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं दिस इज इम्पोर्टेंट। जो भी अदारा ये एक्टिविटी कौन सी इशू मैनेजमेंट की एक्टिविटी को कंटिन्यू करता है उसको SECP से परमिशन लेनी है ठीक है और वो मर्चेंट बैंक ही होगा। अब मर्चेंट बैंक अगर इशू मैनेजमेंट की एक्टिविटी कर रहा है तो उसको SECP से परमिशन लेनी है और इशू मैनेजमेंट जो है वो बहुत वाइटल इम्पॉर्टेंट रोल है मर्चेंट बैंक का और उसमें हमने देखा कि जो SECP की रिक्वायरमेंट है द इशू मैनेजर्स नीड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट बिफोर बीइंग अलाउड बाय द SECP टू कैरी आउट वेरियस इशू मैनेजमेंट एक्टिविटीज तो ये क्या था हमने वो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी मेन 3 रिक्वायरमेंट्स हैं कि एडुकेसी एंड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो ऑफिस हो इक्विपमेंट्स हो मैन पावर हो और इफेक्टिवली डिस्चार्ज एक्टिविटी कर सकता हो प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग हों जिसमें रेलिवेंट टू लॉ फाइनेंस एंड बैंकिंग और एक्सपीरियंसड हो ठीक है। अब ऐसा भी है कि आपके पास क्वालिफाइड स्टाफ है बट दे आर नॉट एक्सपीरियंस तो वो कैसे रन चलाएंगे नहीं समटाइम ऐसा होता है कि क्वालिफाइड बाय एक्सपीरियंस है बट प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है तो SECP की जो रिक्वायरमेंट है आइडियली प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस जो सही डिलीवर कर क्योंकि इसमें ह्यूज मनी इन्वॉल्व है ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व होता है बिग कंपनीज कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है तो इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा आ जाता है तो SECP ने जो गाइडलाइंस देते हैं कि ये जो इशू मैनेजमेंट वही कंपनी डील कर सकती हैं जिनके जो हमारे से रजिस्टर हों और पहले रजिस्ट्रेशन से पहले हम उनको देखेंगे कि क्या वो ये कम से कम ये क्राइटेरिया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उनके पास है एडुकेट ऑफिस हैं इक्विपमेंट्स हैं डिलीवर कर सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस लॉयर होने चाहिए बैंकर होने चाहिए अकाउंटेंट्स होने चाहिए और फाइनेंस के लोग होने चाहिए जो इस तरह के बिजनेस को मर्चेंट बैंक से चलाया हो एक्सपीरियंस टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स। इसी तरह
फुलफिलिंग कैपिटल एडुकेसी, आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि आप जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है जिसको आप कहते हैं वर्किंग कैपिटल, आपके जो है जो डे टू डे बेसिस पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आप मीट करें. मिनिमम नेटवर्थ ऑफ रुपीज़ 5 करोड़, 5 to 7 करोड़ की लिमिट है कि ये जो इनकम बैंक से पास है SSCP उनको, जो ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं SSCP उनको अलाउ कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे लेक्चर. हम इसी को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर देंगे. और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मर्चेंट बैंकिंग का जो लेके आता हूँ, कोशिश करता हूँ पिछला सारा क्विकली रिवाइज करूँ ताकि आपको चीज़ें पता हो. लेकिन जो 17 मेन फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग है, प्लीज़ 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 उसको आपको आना चाहिए. उसी चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा आगे डिस्कस कर रहे हैं. और बाकी आपको मैं एक चीज़ दे रहा हूँ और उसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आपने भी रिसर्च करनी है और उस चीज़ को देखना है. अब मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में कि 17 जो फंक्शन है उनमें से कितने फंक्शन आपने भी सोफा तैयार किए हैं. तो प्लीज़ अपने एंड पे जरूर 2-3 रिसर्च करें, ग्रुप्स करें 2-3, आपस में ईमेल्स करें, शेयर कर लें. अगर आपके पास टाइम नहीं मिलने का तो ग्रुप्स उसमें काम करें और आपस में ईमेल कर लें. ईमेल करके आप लोग एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो 17 फंक्शन हैं ये क्या है. ओके, सो सेल्फ स्टडी, रिसर्च, ग्रुप डिस्कशन is very vital, very very important, and I am very much sure so far merchant banking ke jo cheeze hum discuss kar rahe hain, you must be learning, you must be enjoying, and you must be doing your home study at well in time. Dekhen home study ka bhi ek time hota hai, research ka bhi time hai. Abhi aapne topic ye padha hai, aapko ye bilkul fresh hai. अगर आप आज इसकी सेल्फ स्टडी करेंगे, होम स्टडी करेंगे, प्राइवेट स्टडी करेंगे जाके, आपको बहुत बेनिफिट होगा. और अगर आज ही आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसकी रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है, तो ठीक है, ग्रुप डिस्कशन बाद में भी हो सकती है, तो आपको सब बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा. तो ये भी देखना, टाइम हर चीज़ में, टाइम जो फैक्टर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. राइट टाइम पे राइट चीज़ की जाए, राइट टाइम पे राइट डिसीजन आपको बहुत आगे तक ले जाता है. तो इसलिए अब आप इसको आज छोड़ दें और 5 डेज बाद पढ़ें, फिर कहें अच्छा वो सर ने उसने ये पढ़ाया था, मैंने आज पढ़ा, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है. अभी जो चीज़ आपने डिस्कस की है, आई एम वेरी मच श्योर आपके जहन में फ्रेश फ्रेश होगी. जब चीज़ें फ्रेश फ्रेश हैं तो आप इनको बड़ी ईजीली से आगे से कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. This is all from my side today. Inshallah, we'll meet again in our next class. And I hope merchant banking ko thoda sa aajkal aap aapas mein discuss kar rahe honge, investment banking, merchant banking ko discuss kar rahe honge, aur ye topics aap karke next class mein aayenge. And we'll do quick review as well. Thank you very much, and Allah Hafiz.